जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो ये सामने खड़ी है मेरी साइकिल जो कि बीटविन की है, और ये इसका जो मॉडल है वो है रॉक राइडर 520। अब ये एक नए नाम से आ रही है, रॉक राइडर ST 520 के नाम से आ रही है। यहाँ पे 520 से पहले ST लिखा होता है। ST का मतलब स्पोर्ट्स टेरेन या स्पोर्ट्स ट्रायल, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक MTB बाइक है। MTB मतलब माउंटेन टेरेन बाइक, जो कि आपकी ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए यूज होती है, या फिर आपको कहीं पहाड़ों में या कहीं लेके जानी है माउंटेनियरिंग के लिए, वहाँ पे ये बाइक यूज़ होगी। वहाँ के लिए बाइक काफ़ी अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस बाइक के साथ क्या क्या आता है, मतलब बाइक की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रेम से। तो आपको ये जो भी साइकिल्स होती हैं, रोड बाइक, MTB बाइक या भी एक हाइब्रिड साइकिल, उन तीनों का ही फ्रेम अलग अलग होता है, और तीनों का ही फ्रेम डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। तो आपका जो आप ये जो इसका फ्रेम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये एक MTB फ्रेम होता है। आप इजीली मेकआउट कर सकते हैं, ये एक पहले ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल है, इस तरीके का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसका ये जो फ्रेम है ये किस मटेरियल का बना है। तो ये है आपका, ये देखिए, ये वैसे तो L साइज़ का फ्रेम है। L मतलब लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ऐसे जो साइज़ आते हैं। मेरी हाइट के लिए L अच्छा था तो मैंने L लिया है। अब ये आते हैं साइकिल आपकी 60 6061 T6 एल्यूमिनियम से। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है हीट ट्रीटेड अलॉय। तो आपकी ये जो एल्यूमिनियम जो फ्रेम है आपका, ये जो 6061 टेक्नोलॉजी है, ये बाइक्स के फ्रेम को स्टर्डी और लाइट वेट बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये इसका जो फ्रेम है ये एल्युमिनियम का है। दूसरी चीज़, अब आगे से शुरू करते हैं, आगे यहाँ आगे से पीछे की तरफ जाएंगे। तो पहले इसके टायर से बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 27.5 इंच के अलॉय व्हील्स, ठीक है। और दूसरा आपको ये अलॉय मतलब ये एल्युमिनियम होते हैं, और ये जो रिम है ये डबल वॉल रिम होता है, मतलब एक लेयर, एक ये जो आप ये विजुअल लेयर देख सकते हैं, इसके अंदर एक और लेयर है। तो ये डबल लेयर का अलॉय एल्युमिनियम रिम होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो इसके ये डिस्क ब्रेक है, ये फ्रंट डिस्क ब्रेक है, और ये इसके इसमें रियर डिस्क ब्रेक भी आती है इस साइकिल में। ये देखिए ये रियर डिस्क ब्रेक इसकी, ठीक है। तो अब देखिए ये साइकिल थोड़ी पुरानी भी हो गई है, इसलिए मेरी साइकिल के टायर में दरारें आ गई हैं। ये तब होता है जब आप साइकिल काफ़ी टाइम तक खड़ी रखते हैं, यूज़ नहीं करते। अब देखिए जो इसकी डिस्क ब्रेक है वो 160mm की आती है, फ्रंट और रियर दोनों में सेम साइज़ की आती है। कुछ जो थोड़ी और हाई रेंज की बाइक्स आती हैं उनमें आप बड़ी ये जो डिस्क ये जो पार्ट होता है इसको रोटर कहते हैं, ये आपको बड़े साइज़ का 180mm या 200mm का भी मिल सकता है, ठीक है। अब बात करें इसके सस्पेंशन की, तो ये आपको सेंट्योर का यू फिट 80mm ट्रेवल देने वाला ये एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, ठीक है। तो एडजस्टेबल मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे जो मोस्टली बीटविन की जो डिकैथलॉन में जो बीटविन की बाइक्स आती हैं, मोस्टली उसमें आपको सेंट्योर का ही सस्पेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा, ये जो 80mm है, यू फिट का मतलब होता है ये जो यू टाइप में फिट है, ये देखिए ये यू फिट होता है, ठीक है। 80mm मतलब ये जो आपका ये सिल्वर वाला पार्ट है, ये कितना अंदर जाएगा उतना ट्रेवल उसको हम काउंट करते हैं। तो इसमें 80mm, तो 80mm अंदर तक जाएगा। और जो आपको हाई रेंजेस की दूसरी बाइक्स मिलेंगी उसमें आपको लॉकआउट सस्पेंशन में मिलता है जो कि लॉक हो जाता है, और दूसरा उसमें 80mm से 100 से 120mm तक का भी आपको ट्रेवल मिलता है। अब ये देखिए जो एडजस्टेबल है इस पर, आपको ये थोड़ा गंदा हो रखा है तो दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है 55 लिखा हुआ है इस पर। तो ये 55 वेट से लेके 110 वेट तक जाता है, एडजस्ट होता है। अब ये एडजस्टमेंट किस तरीके की है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए इस बाइक पे, साइकिल पे एक 55 किलो का बंदा बैठा है तो ये सस्पेंशन नहीं दबेगा। वहीं जहाँ इस पे एक 105 किलो का अगर कोई बंदा बैठ जाएगा, कोई मेल या फीमेल कोई बैठ जाएगा, ये सस्पेंशन ऑलरेडी पहले ही दब जाएगा और फिर काम नहीं करेगा या टूट सकता है। तो उसी ट्रेवल को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एडजस्टर दे रखा होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके हैंडल बार पे।
तो जो भी आप हैंडल बार आप देखोगे MTB बाइक्स में, वो आपको काफ़ी चौड़े हैंडल बार्स मिलेंगे, जो कि आपकी हैंडलिंग को और ज़्यादा बेटर और कंफर्टेबल बनाते हैं। ऑफ रोडिंग में हमेशा चौड़े हैंडल बार ही चलते हैं। आपको स्टंट्स करने हों या बाइक को जंप कराना हो, व्हीली करनी हो, स्टॉपी करनी हो, उसके लिए ऐसे जो ब्रॉड हैंडल बार्स होते हैं वही चलते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। अब आते हैं इसके ये पार्ट जो है, इसको अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये पार्ट है स्टेम, इसको स्टेम कहते हैं। जो पहले साइकिल्स आती थी वो क्या होता था, ये जो हैंडल बार है, हैंडल बार सीधा ये हेड से जुड़ा होता था इसके। अब देखिए ये जो सस्पेंशन आ रहा है, ये यहाँ, ये सस्पेंशन यहाँ तक आता है ताकि ये साइकिल को होल्ड कर सके। अब पहले जो साइकिल्स आती थी वो हैंडल बार सीधा हेड से ही जुड़ा होता था, यानी इस सस्पेंशन से ही जुड़ा होता था। अब क्या हो गया, इसको यहाँ पे ये स्टेम दे दिया ताकि आपकी जो पोजीशनिंग होती है वो और बेटर हो जाए और ऑफ रोडिंग के लिए और ज़्यादा कंपैटिबल हो जाए। अब देखिए इस, ये भी एक एडजस्टेबल स्टेम है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी 80mm आपका ज़ीरो से, ये देखिए 0mm से 80mm तक आपको, आप इसको रेज कर सकते हो, आप साइड डाउन कर सकते हो। अब देखिए पहली चीज़ ये जो हैंडल बार, ये जो स्टेम है, इसको आप ये जैसे अभी यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, मेरे हाथ की पोजीशन देखिए ऐसे, ये पहले ऐसे हो जाएगा, इसकी थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ेगी, फिर जो आप ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, ब्लू और ये ब्लैक, ये दोनों पार्ट आपके यहाँ से निकल के यहाँ नीचे लग जाएंगे इस एरिया में यहाँ पे, उससे भी ये काफ़ी ऊँचा हो जाएगा। तो ये ऊँचा और नीचा करने का मतलब आप हैंडल एडजस्ट कब करते हैं, इसका मतलब ये होता है जब आपको, अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि, तो आपको हैंडल ऐसे ही रहने देना चाहिए, ये उसके लिए ज़्यादा कंपैटिबल है। और अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं जिसमें आपका जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा अपराइट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये एडजस्ट करना होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके, जो इसमें गियर आता है आपको, जो हमें इसमें ड्राइव ट्रेन मिलती है वो कहाँ कैसी मिलती है, तो इसमें ये देखिए, ये वैसे तो SRAM X3 है, ये देखिए SRAM X3 है, लेकिन ये इंडिकेटर्स में यहाँ SRAM X4 लिख रखा है। ये बस कुछ नहीं होता, ये जो पीछे जिसपे X4 लिखा हुआ है, एक बहुत पतली सी प्लेट सी होती है, कुछ प्लास्टिक टाइप होता है, ये निकलता भी है, ये पार्ट निकल भी जाता है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो उस पे बस ये X4 लिखा हुआ है, बाकी है ये X3 X4, ये इसके मॉडल्स हैं गियर्स के SRAM के, X1 है, X2 है, X3 X4, ऐसे X6 या 7 तक है। ये जो गियर्स की ब्रांडिंग है वो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे भी दे रखी है दोनों गियर्स पे। ये फ्रंट, ये रियर के गियर्स हैं जो आपके लेफ्ट साइड में आते हैं, और जो आपके लेफ्ट साइड के गियर्स हैं वो फ्रंट में आते हैं, और जो राइट साइड के हैं वो रियर में आते हैं। तो इसमें आपको ये जो ड्राइव ट्रेन मिलता है, इसमें फर्स्ट जो है यहाँ ये शिमानो ऑल्टस मिलता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है शिमानो ऑल्टस, और ये SRAM X3 मिलता है पीछे जो गियर, इसको RD कहते हैं इस पार्ट को, और इसको FD कहते हैं, यानी फ्रंट डिरेलर और ये रियर डिरेलर, जो आपके गियर्स को चेंज करता है, शिफ्ट करता है, गियर शिफ्टिंग में हेल्प करता है। ये जो कैसेट है ये 8-speed की कैसेट है, यानी 3x8 का आपको गियर रेशो मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3x8 में के गियर रेशो में आप काफ़ी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं अच्छे से, पैरों वगैरह में आपके दर्द नहीं होगा, या काफ़ी कंपैटिबल रहेगी इस गियर रेशो के साथ आपको साइकिलिंग करना। और काफ़ी साइकिल्स में, मतलब मोस्टली जो इस रेंज की बाइक आती है, ये लगभग मेरे को कॉस्ट करी थी 27,000 की उस टाइम पे, 26 या 27,000 की, 2020 में ली थी मैंने ये। तो ऐसी इस रेंज तक की साइकिल में आपको यही 3x8 का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, हो सकता है वो SRAM का हो या हो सकता है वो शिमानो का हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको मैंने गियर्स का बता दिया, दूसरा अब आते हैं इसकी सीट पे आ जाते हैं। तो इसका ये जो सेडल है ये एडजस्टेबल सेडल है, ये देखिए इसका ये यहाँ से खुल जाता है, बंद हो जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, आधा छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइट बंद होता था कि लूज़ ना हो। ये जो इसकी सीट है, ये जो इसका सेडल है, ये काफ़ी पतला आता है। अब जो मोस्ट ऑफ द बाइक्स आती हैं उनमें साइकिल का जो सेडल होता है वो ऐसे ही पतला ही होता है जब आप साइकिलिंग करते हैं, तो आपके लिए आपको ऐसी ही सीट की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी अच्छा ही भी रहती है ये सीट लॉन्ग राइडिंग के लिए, और या फिर अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग में तो मोस्टली आप साइकिल की सीट पर बैठते ही नहीं हैं,
ठीक है। तो इसमें इसके बाद सीट के बाद आपको यहाँ सीट एडजस्टमेंट के नंबर्स भी दे रखे हैं, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नंबर्स भी दे रखे हैं, 20 से लेके 1 तक दे रखा है ये, ठीक है। इसके साथ ये मड गार्ड और फ्रंट मड गार्ड और रियर मड गार्ड, ये एसेसरीज का पार्ट है, तो ये इसके बारे में आपको बात में बताऊँगा। साइकिल के साथ 1, 2, 3 यहाँ पे एक फोर्थ चौथा था वो हट टूट गया है, फोर्थ तो, और ये 5, और यहाँ पे एक रेड कलर का 6। ये आपको साइकिल के साथ रिफ्लेक्टर्स आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर आप रात में, आप थोड़ी सी शाम में साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ मैंने लिया था एक लॉक, इस लॉक की तो चाबी खो गई है तो इसको कटवाना है, आप दूसरा लॉक मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं बाइक की, इस साइकिल की स्पेसिफिकेशंस में। ये देखिए फ्रंट में और रियर में आपको दोनों में क्विक रिलीज मिलता है जो आपको साइकिल के व्हील्स अलग करने में हेल्प करेगा। तो ऑलमोस्ट अब दोस्तों मैंने सारी स्पेसिफिकेशंस इस साइकिल की कंप्लीट कर दी है, अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके पास भी अगर ये साइकिल है या आप ऐसी कोई साइकिल लेना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।